दोस्तों इस वैकेंसी में अगर बात करें पदों की संख्या और सैलरी की, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी संख्या में है दोस्तों। जैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी उसकी है, उसके लिए दोस्तों सैलरी आज दोस्तों 44,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलती है दोस्तों। इसके अलावा जो OT असिस्टेंट है उनके लिए भी 19,900 प्लस अन्य भत्तेस में मिलते हैं। इसके बाद सभी कैटेगरी से उनके लिए काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हाजिर हैं फिर से एक स्टाफ नर्स से जुड़ी नई अपडेट लेके। दोस्तों आज इस वीडियो में जिस रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं दोस्तों, वो रिक्रूटमेंट रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती के नाम से रिक्रूटमेंट जारी हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी के साथ में कई अन्य वैकेंसी जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी है दोस्तों। इसके अलावा काफ़ी वैकेंसी है जिनके लिए रिक्रूटमेंट निकला है दोस्तों। सैलरी की बात करें तो सभी पोस्टों के लिए काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी सैलरी इसमें मिलने वाली है दोस्तों। इसका चयन सीधा ऑनलाइन इंटरव्यू के द्वारा दोस्तों इसमें चयन होना है दोस्तों। आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, जो कि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा ही आपको कंप्लीट जानकारी दी जा रही है दोस्तों। कैसे आपको आवेदन करना है, क्या इसकी योग्यता, क्या सैलरी मिलने वाली है दोस्तों, हर एक चीज़ पर पूरी कंप्लीट चर्चा की जाएगी दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बिना आपको ज़्यादा समय लिए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। फ्रेंड्स सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट वैकेंट है। तो दोस्तों स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए 20 पोस्ट वैकेंट हैं। जो ड्रेसर की पोस्ट है उसके लिए 5 पोस्ट वैकेंट हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट स्किन केवल मेल कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट वैकेंट हैं। और जो हॉस्पिटल अटेंडेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए है उनके 7 पोस्ट वैकेंट हैं। और जो हाउस कीपिंग असिस्टेंट है उनके लिए 15 पोस्ट इसमें वैकेंट हैं। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी योग्यता है, क्या इसमें एज है और क्या सैलरी मिलने वाली है, हर एक चीज़ चर्चा कर रहे हैं। तो पहले जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, पदों की संख्या इसमें 20 है, 44,900 इसमें पर मंथ सैलरी मिलती है दोस्तों। योग्यता की बात करें तो 3 साल का इसमें GNM कोर्स कर रखा है दोस्तों। इसके अलावा अगर BSc नर्सिंग आपने कर रखा है, डिप्लोमा कोर्स कर रखा है नर्सिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं साथ में, तो 20 साल से 40 साल इसकी आयु सीमा इसमें रखी गई है दोस्तों। अगली जो नेक्स्ट वैकेंसी है, OT असिस्टेंट ड्रेसर की जो वैकेंसी है, पदों की संख्या इसमें 5 है, 19,900 इसमें पर मंथ सैलरी मिल जाती है। 10वीं दोस्तों आपने कर रखी है या उसके साथ में सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है आपने ड्रेसिंग में, दोस्तों आवेदन आप कर पाएंगे। 18 से 33 साल इसकी आयु सीमा रखी गई है दोस्तों। आगे जो वैकेंसी है वो है दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट में दोस्तों इस कैटेगरी में केवल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। पदों की संख्या 6 है, 18,000 पर मंथ इसमें सैलरी मिल जाती है। 10वीं के साथ में दोस्तों अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड और इंस्टीट्यूट से ITI कर रखी है तो आवेदन आप कर सकते हैं। 18 से 33 साल इसकी आयु सीमा है। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट की है दोस्तों। ये कैटेगरी जो 4 नंबर वाली, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। पदों की संख्या 7 है, 18,000 पर मंथ में सैलरी मिल जाती है। 10वीं या आपने ITI कर रखी है दोस्तों तो आप आवेदन कर पाएंगे। 18 से 33 साल इसकी आयु सीमा रखी गई है। लास्ट वैकेंसी है दोस्तों हाउस कीपिंग असिस्टेंट की। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 15 इसमें पदों की संख्या है। 18,000 पर मंथ इसमें सैलरी मिल जाती है। 10वीं के साथ में ITI आपने कर रखा है या केवल 10वीं ITI, जो भी आपने दोनों में से एक कर रखा है कोई सा भी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 33 साल इसकी आयु सीमा है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको आवेदन करना कैसे है। तो दोस्तों आपको आवेदन करने के लिए दोस्तों कोई भी आपको हार्ड कॉपी आप कुछ जमा नहीं करवाना है दोस्तों। सबसे पहले करना क्या है आपको कि दोस्तों ये जो 3 डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, अपने एज से रिलेटेड प्रूफ, अपने जो सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस गेन कर रखा है पहले से काम, ये तीनों चीज़ें दोस्तों, तीनों चीज़ें आपको इसमें लिखा है एलिजिबल करने आज एडवाइस टू ईमेल स्कैन कॉपी ऑफ प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये तीनों चीज़ें हैं, इनका आपको स्कैन कॉपी करना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है तीनों इनके आपको स्कैन करके PDF बना लेनी है। PDF ना बनाओ तो भी आप इनको स्कैन करना है। इसके साथ में दोस्तों एक फॉर्म है जो कि इस नोटिफिकेशन के अंत में ही दिया गया है दोस्तों। दोस्तों ये वो फॉर्म है जो आपको इसके साथ में भरना हो और इसको भी स्कैन करना है। इसमें दोस्तों ऊपर सब कुछ ये पहले से लिखा हुआ आएगा दोस्तों। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको नोटिफिकेशन को भी पढ़ पाएंगे और ये फॉर्म को भी आप प्रिंट निकाल पाएंगे भरने के लिए। एड्रेस दोस्तों पहले से इसमें जो कुछ लिखा है, केवल आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है दोस्तों। अपना नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है दोस्तों कि आप 3 मई 2021 को कितनी आप आयु कंप्लीट हो रही है। कम्युनिटी लिस्ट में लिखना है, अपना जो पोस्ट एड्रेस है वो लिखना है। और दोस्तों मोबाइल नंबर लिखना है दोस्तों। आपको सलाह दी जाती है दोस्तों मोबाइल नंबर आपके वही लिखने हैं जो आपके हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उस मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा इंटरव्यू से रिलेटेड।
दोस्तों आगे बात करें तो इसके अंदर आपको ईमेल आईडी बने दोस्तों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों एक्टिव ईमेल आईडी हो जिनका मैसेज आप तुरंत आपके पास आता है वो लिखना है, नज़दीकतम रेलवे स्टेशन का नाम लिखना है दोस्तों, इसके आप नेशनलिटी है जो इंडियन सिटीजन है वो लिखनी है दोस्तों। आगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉरम है उसके अंदर आपने सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपने पास किया वो लिखना है, कौन से सन में आपने पास किया वो लिखना है और कितने परसेंटेज आपके हैं वो लिखने हैं दोस्तों। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो दोस्तों एक्सपीरियंस ज़रूर इसमें अटैच कीजिएगा, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि इन वैकेंसीज में एक्सपीरियंस वालों को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। ये डिक्लेरेशन है, लास्ट में अपना प्लेस और डेट लिखना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है दोस्तों। ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के साथ में जो ऊपर दोस्तों आपको तीन चीज़ बताई हैं कि फॉर्म तो आपको भरना ही भरना है, इसकी भी स्क्रीन कॉपी करनी है, इसके अलावा आपका जो एज प्रूफ है जो आपका टेंथ की या ट्वेल्थ की बोर्ड सर्टिफिकेट हो जाता है वो आपको एज प्रूफ के रूप में जाना जाता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई और एक्सपीरियंस, इन सभी की स्कैन कॉपी आपको ईमेल आईडी अच्छी तरह से देख लीजिएगा srdpoadra@gmail.com दोस्तों। इस ईमेल आईडी पर दोस्तों आपको 7/5/2021 से पहले इसमें आपको ईमेल कर देना है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मोड ऑफ इंटरव्यू दोस्तों, आपका इंटरव्यू कैसे होगा दोस्तों, टेलीफोनिक भी हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, यानी आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो दोस्तों बेसिक कुछ जो सवाल इंटरव्यू के आपसे फ़ोन द्वारा या आपको ऑनलाइन जो भी कोई लिंक दे दी जाएगी कैसे भी आपको ऑनलाइन इंटरव्यू इसमें आपका हो जाएगा, यानी आपको घर बैठे ये नौकरी मिल रही है दोस्तों। कहीं भी आप कुछ ना कोई आवेदन फीस आपको भुगतान करना है, केवल आपको अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक फॉर्म अप्लाई करना है ईमेल आई डी पे और दोस्तों अपना इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो आपको कोई भी इसमें फीस भी पे नहीं करनी पड़ी और कोई भी एग्ज़ाम आपको नहीं देनी है दोस्तों। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा निकाली गई और इसका नोटिफिकेशन की डेट भी दोस्तों 3 मई 2021 को ही इसका आउट हुआ है दोस्तों, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ की जो दोस्तों ये वैकेंसी है। फ्रेंड्स आपकी सुविधा के लिए ये जो नोटिफिकेशन और फॉर्म का फॉर्मेट है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से मुझे पता लगता है कि मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको पसंद आ रही है या कुछ कमी है, तो सभी चीज़ें उस कमेंट से क्लियर हो पाती हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।